Hello students and welcome back to BankExamsAdda.com. My name is Ramandip Singh and today we are starting the short series for Central Bank of India Scale 3 and Scale 4 exam. So इस सीरीज में हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन शेयर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं. मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे. So let's start the session. Before starting, let me tell you Central Bank of India Scale 3, Scale 4 का कोर्स हमने start कर दिया है. We are providing proper video classes, the notes, the quizzes, the test series, the live sessions. Everything is available in the dashboard. Link to join the course is available in the description. Please check. So the minimum average maturity period for external commercial borrowing under the normal course. So what is external commercial borrowing? External commercial borrowings है क्या? मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंडिया. जब इंडियन कंपनीज ने इंडिया से बाहर लोन लेना है, बोरोइंग्स करनी है इंडिया से बाहर जाके, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रूट से करते हैं. ऑब्वियसली आरबीआई कुछ एक रूल्स लगाता है, कुछ एक रेगुलेशंस है, नहीं तो ब्लैक मनी को वाइट करने का ये तरीका बन जाएगा. शेल कंपनीज बन जाएंगी, इंडियन कंपनीज जो हैं अपना ब्लैक मनी बाहर लेकर जाएंगे इंडिया से बाहर, फिर वही पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की शेप में, तो वो वाइट वॉशिंग हो जाएगी, जो आरबीआई नहीं चाहता. दैट इज़ वाई कुछ एक गाइडलाइंस हैं जो FATF और IOSCO कंप्लाइंट कंट्रीज़ हैं, वहीं से ही आप, वहीं के लेंडर से आप पैसे बोरो कर सकते हो. और मैच्योरिटी पीरियड, जो मिनिमम मैच्योरिटी है, ये 5 साल की होनी चाहिए, कम से कम 5 साल की होनी चाहिए. वर्किंग कैपिटल के लोन के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लोन के लिए, या रुपी के लोन है, रुपी लोन रीपेमेंट के लिए ये 5 साल है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये 1 साल है. ठीक है, तो ये था 5 साल आंसर, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड. मैक्सिमम लिमिट कितना है इंडिविजुअल बोरोइंग्स के लिए वाया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? ऑब्वियसली लिमिट भी लगाया है इंडिविजुअल बोरोइंग्स पे, ये 1.5 बिलियन है, $1,500 मिलियन है. डी इज़ द करेक्ट आंसर, सी नहीं है, डी इज़ द करेक्ट आंसर. 750 मिलियन किसी समय होता था, ये रिसेंटली जो है आरबीआई ने इसको अपडेट कर दिया है, 1500 मिलियन कर दिया है, 1.5 बिलियन कर दिया है. पहले 750 मिलियन हुआ करता था. ठीक है, तो एक लाइव सेशन में मैंने एक बार गलती कर दी थी, लेकिन ये अपडेट हो चुका है अब. ठीक है, व्हाट इज़ द डेली ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर डूइंग क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस ट्रांजेक्शन थ्रू UPI पे नाउ? इंडिया में आपको ट्रांजेक्शन करनी है UPI के थ्रू, आप गूगल पे, फ़ोनपे पे आप करते हो, UPI के थ्रू कर सकते हो. बड़ा ही अच्छा सिस्टम है, मैं खुद यूज़ करता हूँ. सिंगापुर में पे नाउ है. ठीक है, सो आप इंडिया में बैठे बैठे सिंगापुर में रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और सिंगापुर से बैठे बैठे इंडिया में रियल टाइम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, पिछले ट्यूसडे ही स्टार्ट हुआ है, आई गेस ये वाले ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ है. एंड UPI पे नाउ लिंकेज की लिमिट है, कितना पेमेंट मैक्सिमम कर सकते हो? 60,000 रुपये का मैक्सिमम पेमेंट जो है डेली ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो. सो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है 60,000 रुपये. ठीक है, सो एक ट्रांजैक्शन करी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो सिंगापुर में अपने काउंटर पार्ट से मिस्टर ली हिएन लूंग, तो ये पेमेंट हो चुका है पहला. माइक्रो इंटरप्राइज का डेफिनेशन क्या है? ये बार बार पेपर में आता है, किसी भी एग्जाम को देख लो क्रेडिट वाले, ये क्वेश्चन बार बार घुस के आ ही जाता है. तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़. ठीक है, एंड एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो ये माइक्रो माना जाएगा. अगर इन्वेस्टमेंट जो है नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़, तो ये स्मॉल में आएगा. और मीडियम में इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़, तो ये मीडियम में आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. उद्योग आधार मेमोरेंडम, आपको उद्योग आधार अगर लेना है तो आप उद्योग आधार पोर्टल से ही लोगे, ये क्वेश्चन भी बार बार आ जाता है. ठीक है, विच पोर्टल इज़ यूज टू फाइल उद्योग आधार मेमोरेंडम इन इंडिया? दिस इज़ उद्योग आधार पोर्टल. ठीक है, कोलेटरल फ्री अगर आपको लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है किसी बैंक से, तो उस पर लिमिट कितनी है? अगर बिना किसी सिक्योरिटी के आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हो तो उसकी लिमिट क्या है? 4 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो तो उस पर आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है. 4 लाख से बड़ा लोन अगर आपको लेना है तो सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी. बहुत सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने कभी एजुकेशन लोन नहीं लिया वो 20 लाख रुपए टिक कर देते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लिमिट है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लिमिट तो नहीं पूछा गया। यहाँ पे हमने कोलेटरल फ्री एजुकेशनल लोन का हमने पूछा है कितना है, एजुकेशन लोन स्कीम के अंडर 4 लाख रुपए तक का लिमिट है। ठीक है, एजुकेशन लोन स्कीम में मेकिंग इट मैंडेटरी दैट बैंक्स मस्ट नॉट ऑब्टेन कोलेटरल सिक्योरिटी इन केस एजुकेशन लोन इज अप टू 4 लाख। 4 लाख रुपए तक का लोन है तो आप सिक्योरिटी मत लीजिए, आरबीआई ने बैंकों को बोला है। द प्रीमियम पेबल फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 330 रुपये हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली इसको अपडेट करके 436 रुपये कर दिया गया है। सो फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 436 रुपये इसका प्रीमियम है। What is the maximum age of a girl eligible for opening an account in सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना का जब एक अकाउंट ओपन करते हैं एक गर्ल चाइल्ड के लिए, एक गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 साल तक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10 साल तक की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड होने चाहिए फैमिली के, तीसरी गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुलेगा, मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे। ठीक है, एटीसी के अंडर बेनिफिट मिलता है इसका। ठीक है, 10 साल तक की एज, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, आई थिंक 7.6% है, जो भी बढ़ाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, बिल्कुल बढ़ाएंगे इसको। एफडी के रेट से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है स्कीम में। विड्रॉल की भी कुछ एक इसकी प्रावधान है जो मैंने अपनी कोर्स में बिल्कुल डिटेल में इसको बता रखा है, प्लीज़ एक बार कोर्स को आप चेक करें। ठीक है, सो CBI SO सीनियर मैनेजर चीफ मैनेजर कोर्स अवेलेबल ऑन BankExamsAdda.com, जिस पे प्रॉपर वीडियो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, क्विजेज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं। सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, ऑल दी स्टूडेंट्स टू का कोर्सेज इन द पास्ट। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ जो है सालों में हमारे कोर्सेज लिए हैं, पिछले 1-2 सालों में, एंड दे क्रैक देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। ऑल दी स्टूडेंट्स टू का कोर्सेज इन द पास्ट एंड दे क्रैक देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो ज़रूर अपना डाउट पूछिए, आई एम हेयर टू आंसर योर डाउट। ओके, सो आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ अवेलेबल, आप कभी भी अपने व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ सकते हैं। वी हैव 80%, मोर देन 80% ऑफ आर स्टूडेंट्स दे गेट फाइनल सिलेक्शन। 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे फाइनली सेलेक्ट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास होंगे, उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में हमारा स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ा होगा, इस बात को लेके मैं श्योर हूँ। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, और ऐसे और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, प्लीज़ चेक। एंड दैट्स एक्चुअली ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।